चलिए खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। बात कोरोना वायरस की, तो नए सब वेरिएंट JN.1 ने लोगों की चिंता जो है एक बार फिर से बढ़ा दी है। आपको बताया कि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग तैयारियों का दावा कर रहा है और इसे लेकर हमारे संवाददाता ने भी खास बातचीत की है और हाल जाना है जिस तरह से कोरोना का ये यूटर्न जो है वो सामने आया है उसको लेकर। नया वेरिएंट JN.1 जो है आ चुका है और इसको लेकर जहां स्वास्थ्य विभाग ने भी कमर कस ली है, तो वहीं RT-PCR जो टेस्ट है उसको लेकर भी दावे किए गए हैं जिला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। और सैकड़ों मरीज आए दिन जो अस्पताल में पहुंचते हैं, हालांकि स्वास्थ्य विभाग लगातार एडवाइजरी भी जारी कर रहा है कि लोग अपनी जो है सतर्कता के लिए मास्क ज़रूर लगाएं। और साथ ही जिस तरीके से जो पड़ोसी जिला है गुरुग्राम, वहाँ पर कई मरीज जो है, दो मरीज सामने आए हैं जो नया वेरिएंट है उसके, और कहीं ना कहीं वेरिएंट के मद्देनज़र ही जो DG हैं हेल्थ के, उन्होंने भी गत दिवस जो है सरकारी अस्पताल का दौरा किया था और तैयारियों का जायजा लिया था। तमाम जो ऑक्सीजन के प्लांट हैं वो यहाँ पर चालू किए गए हैं। और इसके अलावा पूरे फरीदाबाद की अगर बात करते हैं तो 24 ऑक्सीजन प्लांट हैं यहाँ पर अस्पताल में, ESI मेडिकल कॉलेज में और अस्पताल सहित 10 विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में लगाए गए हैं। 14 ऑक्सीजन प्लांट निजी अस्पतालों में भी उपलब्ध हैं और 2000 सिलेंडर पूरे ज़िले में मौजूद हैं। इसको लेकर जो फरीदाबाद का जो BK अस्पताल है वहाँ पर भी करीब 171 बेड का अस्पताल जो है तैयार किया गया है इसके मद्देनज़र। तो लगातार जिस तरीके से मरीज बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी सतर्कता को देखते हुए खुद DG भी मैदान में उतरे थे और लगातार सरकारी अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर स्वास्थ्य विभाग इस पर कितनी रोक लगा पाता और लोगों को भी इसमें अपना योगदान देने की ज़रूरत है ताकि अपने आप को स्वस्थ रख सकें और अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सकें। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया। भारत में एक बार फिर कोरोना संक्रमण ने दस्तक दी है, वहीं इसके नए प्रारूप JN.1 वेरिएंट ने लगातार इस परेशानी को और भी बढ़ा दिया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि इस समय ये 40 देशों में सक्रिय है। वहीं भारत के अंदर जो है केरल, महाराष्ट्र, गोवा और राजस्थान और NCR में भी इसके केस मिले हैं। वहीं भारत सरकार ने इसको लेकर तमाम राज्यों को एडवाइजरी जारी की है ताकि वो इसकी रोकथाम करें। CTO चीफ जो टेक्निकल ऑफिसर हैं उनसे भी हम बात करेंगे, सुल्तान जी से, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ इसको रोकथाम के लिए सामान्य पानीपत के सामान्य हॉस्पिटल में क्या कुछ किया जा रहा है वो हम उनसे जानेंगे। फिलहाल जो हमारे साथ हैं सुल्तान जी, उनसे हम पूछेंगे कि क्या कुछ इसके लिए जो नया वेरिएंट है JN.1 उसको लेकर। सुल्तान जी सबसे पहले तो हरियाणा, नमस्कार जी। सर क्या कुछ तैयारियां की गई है जिस तरीके से भारत सरकार की नई गाइडलाइन आई है सभी राज्यों के लिए? अभी एक नया वेरिएंट आया है JN.1 जो कि साउथ वगैरह में काफ़ी सारे केसेस हुए डिस्कवर हुए हैं, तो उसकी तैयारियों के लिए यहाँ भी कंप्लीट हमने तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं। कोविड RT-PCR लैब में हमारा वर्किंग दोबारा नए सिरे से शुरू कर दिया है, कलेक्शन सेंटर वगैरह शुरू कर दिए हैं और CMO साहब ने प्रॉपर सभी किटें वगैरह सभी मान लें यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए हैं। सुल्तान जी क्या कुछ रोकथाम हो इस नए वेरिएंट के लिए, जिस क्या कुछ किया जाए? रोकथाम तो डॉक्टरी बचाव ही एक तरीका है जी, टाइम पे डॉक्टर साहब को दिखाएं, जो भी इसके लिए मेडिसिन वगैरह है प्रॉपर टाइम पे लें। यहाँ पे हमारे पे सेंटर वगैरह बना दिए गए हैं जिसमें मान ले पेशेंट को दाखिल वगैरह करने के लिए प्रॉपर सुविधा है। फिलहाल कोई पेशेंट अभी तक नहीं? अभी कोई नहीं जी, फिलहाल हम ये मान के चलें कि पूरी तैयारी है। हाँ बिल्कुल है जी, क्योंकि लैब में हमने RT-PCR के सैंपल, कल की डेट में हमने 52 सैंपल लिए हैं जो कि आज एग्जामिन किए जाएंगे और बता दिया जाएगा CMO। इसके अंदर वही है कि दूरी अपना बना के रखें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही जो पहले जो गाइडलाइन थी सरकार द्वारा दी गई थी वही गाइडलाइन है प्रॉपर, और नया वेरिएंट आया है JN.1 नाम है इसका। देखिए हमें जो है यहाँ के जो टेक्निकल ऑफिसर हैं सुल्तान जी, उन्होंने बताया कि नया वेरिएंट है और इसको रोकथाम के लिए वही फिलहाल अभी गाइडलाइन है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इसके अंदर लक्षण देखा जाए तो बुखार आता है, शरीर टूटा हुआ सा रहता है, आंखें लाल होती हैं, तो इस तरीके के अगर आपको कहीं लक्षण लगते हैं तो आप सामान्य हॉस्पिटल में जाकर आप चेक भी करवा सकते हैं और इसकी रोकथाम के लिए सुझाव भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप को इससे बचाने के लिए उपाय जरूर करें ताकि इस का प्रभाव आप पर ना पड़ सके। और सबसे बड़ी बात है कि जो दूरी जो है वो जरूरी है, इसमें अगर आप अपने आप में एक डिस्टेंस रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप की रोकथाम कर रहे हैं। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज। देश के अंदर कोरोना ने फिर से दस्तक
दे दिए हैं। बिल्कुल कोरोना का एक जो नया वेरिएंट JN1 वेरिएंट जो है, इसके किसी देश के अंदर देखने को मिले हैं। 40 से अधिक देशों के अंदर JN1 वेरिएंट ने जो है अपने पैर पसारना शुरू कर दिया गया है, और इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने जो है अलर्ट जो है जारी कर दिया गया है। वहीं हरियाणा प्रदेश की बात की जाए तो डॉक्टरों के द्वारा जो है टीमें भी गठित जो है की गई हैं, और जो लोग जो मरीज जो है हॉस्पिटलों के अंदर दवाइयां लेने के लिए आ रहे हैं, जिन्हें खांसी जुखाम की जो है दिक्कत हो रही है, तो उनके जो पहले जो है RT-PCR यानी कोरोना के जो है टेस्ट जो है करवाए जा रहे हैं, उसके बाद ही जो है उन्हें दवाइयां जो है दी जा रही है। डॉक्टरों के द्वारा जो है लोगों से अपील की गई है कि ज़रूरी काम हो तभी ट्रैवल जो करे, अन्यथा जो है ना ट्रैवल करे, और अधिक से अधिक जो है मास्क का जो है प्रयोग करे, क्योंकि डॉक्टरों के द्वारा जो है बताया गया है जो JN1 वेरिएंट जो है कोरोना का एक और नया अवतार जो है बहुत ही खतरनाक जो है रहने वाला है। और अब देखना ये होगा कि जो ये नया वेरिएंट आया है ये कितना खतरनाक होगा, क्योंकि 2000 जिस तरह से COVID-19 की बात की जाए तो काफ़ी तबाही जो है पूरे विश्व के अंदर जो है देखने को मिली थी। वो एक महामारी की वजह से काफ़ी पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था की बात की जाए या काफ़ी जो है लोगों ने अपनी जान भी जो है इस कोरोना महामारी की वजह से अपनी गंवा दी थी। पिहोवा से गगन सांगर, हरियाणा न्यूज़ के लिए।